मेरा नाम आशीष है, मैं कोऑर्डिनेटर पब्लिकेशन से बोल रहा था। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में या सनलाइन के बारे में। तो सनलाइन क्या होती है एक्चुअल में? तो जनरली क्या होता है कि आदमी प्रसिद्धि के लिए, आदमी ने प्रसिद्ध होना चाहता है। तो प्रसिद्धि के लिए जैसे अभिनेता नेता होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, या कोई गेम्स वगैरह में होता है, अधिकतर पढ़ाई में होता है, सीए वगैरह करता है, कोई ना कोई फेमस होता है। तो फेमस होने के लिए अपन पामिस्ट्री में अपन सूर्य रेखा को मेन जिम्मेदार मानते हैं। सूर्य रेखा कहाँ होती है? तो ये देखिए, ये पर्वत होता है, ये थर्ड उंगली है ना, ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, ये मिडिल फिंगर, तो ये इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर या अनामिका उंगली, ये जो होती है सूर्य की होती है। तो सूर्य के नीचे जो भी होता है उसको अपन बोलते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं कि वो आदमी फेमस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। उठा हुआ मीन्स थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना, ऐसा मोटा मोटा होना चाहिए, ऐसा भरा भरा होना चाहिए। ऐसे भरा भरा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी का सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य अच्छा होता है तो पामेश्वर के कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके पिता से रिलेशन अच्छे होते हैं, उसका समाज में बहुत नाम होता है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट जॉब वगैरह के भी चांस अच्छे होते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। तो सूर्य अच्छा होगा तो उसके पिताजी से रिलेशन वगैरह भी बहुत अच्छे होंगे, समाज में नाम होगा ये देगा। अभी लेकिन ये सूर्य के यहाँ पर सपोज को गड्ढा आ गया, गड्ढा मीन्स सपोज को ये आला तो उठा हुआ है पास का, ये उठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गड्ढा है ना, वैली होता है ना, जैसे पहाड़ के नीचे का एरिया होता है, दो पहाड़ के नीचे का एरिया इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे छोटा सा गड्ढा टाइप बना हुआ है। तो उसका सूर्य बहुत कमज़ोर है, तो सूर्य कमज़ोर होगा तो उसके पिताजी से रिलेशन बहुत ख़राब होंगे, उसके समाज में नाम यश वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वाले आता है, जैसे वाले वाले तो अभी आप लाइन कैसे देखते हैं, अब यहाँ पर जितनी बड़ी और जितनी बिग लाइन होगी, ये देख रही है आपको, दिख रही है लाइन, ये लाइन जितनी बड़ी होगी और डार्क होगी, मोटी होगी, तो उतने उसके फेमस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फेमस मैंने अपना ऐसा नहीं कि गली वगैरह में फेमस है या मोहल्ले में फेमस है, ऐसा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि यार वो वर्ल्ड में फेमस होगा। आजकल तो यूट्यूब वगैरह भी है, बहुत सारे मीडिया के फेमस होने के लिए पेपर है, यूट्यूब है, उससे भी आदमी बहुत फेमस हो जाता। तो ये जितनी डार्क होगी, अब ये देखिए बहुत डार्क है तो फेमस होने के चांस, लाइट होगी तो भी रहेंगे चांस लेकिन कम रहेंगे, लेकिन डार्क में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस होगा, इस टाइप से होता है ना, तो ऐसा होगा। सपोज करो एक और लाइन होगी, डबल लाइन होगी तो और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा गारंटी रहेगी कि आदमी फेमस होगा ही होगा। डबल लाइन होगी तो आदमी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो ये दिखाता है कि ये डबल लाइन हो तो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। लेकिन ये लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसी है, फिर यहाँ से टूटी हुई है, ऐसी है, फिर ऐसी गई हुई है, तो आप देखेंगे ऐसी टूटी फूटी लाइन होगी तो आदमी को दूसरा दिखाता है ना, टूटी फूटी लाइन होगी तो आदमी बदनाम ही दिखाता है, तो आदमी बदनाम होगा। अब ये लाइन देखेंगे इस टाइप से लाइन बनी हुई रहेगी तो ये आदमी को बदनामी दिखाता है, या समाज में बदनामी हो गई, कुछ कांड वगैरह हो गया, या कुछ चोरी है ना, ऐसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ होती है बदनाम होने के लिए, तो उसमें से बदनाम हो गया तो इसके लिए समाज में बदनाम आ जाएगा। तो ऐसे टूटी फूटी लाइन देगी, देखिए ऐसी लाइन देती है, ऐसी 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 आ गई, ऐसी है, इस टाइप से लाइन देगी तो वो बदनामी दिखाता। अभी यहाँ पर एक वाले आ गया, ऐसे रिंग आ गई है, ऐसे रिंग बोलते हैं या वाले बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन में वाले बोलते हैं, तो इस टाइप का वाले दिख रहा आपको, ये इस टाइप का वाले, ये वाले आ गया तो भी इसमें ये वाले अच्छा नहीं काउंट होता, नाम ही काउंट लिखे यहाँ पर, तो ये वाला होगा तो आदमी को बहुत नुकसान होता है, उसकी बहुत बेइज्जती होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, इसके समाज में बहुत वो होती है। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कुछ इंक्वायरी है तो हमारे ये व्हाट्सअप नंबर 9187888760 पर भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।